हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी आ गया हूँ भाई मैदान में। भाई निकल पड़ रहे हैं, फैसलाबाद से जा रहा हूँ इस्लामाबाद। थोड़ा अब मैं जो आप लोगों को रोडें दिखाऊंगा, कलर कार की पहाड़ियाँ दिखाऊंगा, आपको एकदम अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और प्यारा भी लगेगा। तो ये मेरे साथ रहेगा, आगे चलते हैं और जाके क्या करते। सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। गाड़ी का ऑयल पानी भी चेक करना है, फिर हम आपको बताएंगे किधर चलते हैं। चलते तो एक ही जगह पे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, और सफ़र कैसा रहेगा क्या है। और एक चीज़ है, फैसलाबाद में गर्मी थी कल, बहुत शदीद गर्मी थी, और आज थोड़ा सुबह का टाइम है तो इतना महसूस फील नहीं हो रहा है। जैसे ही दोपहर का होगा तब पता चलेगा कि क्या है। जिस तरह कराची में बारिशें हो रही थी, सुना है कि भाई इस्लामाबाद में भी हो रही है धड़ाधड़। अब आगे जाके देखते सफ़र ले जाता है या नहीं। भाई ये हमारी गाड़ी है जिसने बेचारे ने इतनी मेहनत की है। अभी स्टार्ट करने से पहले है तो नई गाड़ी, फिर भी ऑयल चेक करें क्योंकि सफ़र बहुत था, पानी पानी भी था सब कुछ, तो पानी भी देखेंगे इसका, सब चीज़ें देख के फिर हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ इस्लामाबाद। इस वक्त मैं हूँ फैसलाबाद मोटरवे पे, जो लिंक करता है लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे को। मगर इस मोटरवे का एक मसला है, ये है दो ट्रैक्स का। और वैसे भी हम ड्राइवर लोग तो चलाते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड के बारे में मुझे बहुत मालूमात हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना टेंशन नहीं होती। हाँ, अभी के तीसरा दिन है तो इस्लामाबाद के साइड और नारायण कागान के साथ जो लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, खुसूसन लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पे होगा, वहाँ पे ज़्यादा होता है। सामने टूल प्लाजा क्रॉस किया, इस वक्त मैं हूँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, और मेरा सफ़र जो चल रहा है इस्लामाबाद की तरफ हूँ। और ये आप नज़ारे चेक करें, खूबसूरती की इंतहा है। और तकरीबन मेरी जो रफ़्तार है 110, 120, 100 की भी रफ़्तार पे जाता हूँ। और इस वक्त मैंने लास्ट शुरू में वीडियो में बताया था कि बारिशों का मौसम है और बहुत गहरे बादल आ चुके हैं इस वक्त इस्लामाबाद के साइड, और ये मेरे करीब दरियाए जहलम भी है। तो अल्लाह खैर करे, देखें क्या होता है। ये आपको थोड़ा मैंने ब्राइटनेस ज़्यादा की है ताकि ये बादल नज़र आए, वरना काले काले थे तो इतना आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आते हैं। ये बारिश के नज़ारे हैं, और देखते हैं आगे चलते हैं। अभी मैं आपको कलर कार की पहाड़ियाँ दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये अभी कलर कार की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और पढ़ाई पहाड़ियों के नज़ारे देखें, खूबसूरती देखें। इस वक्त हम चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं, और एहतियात करना पड़ रहा होता है कि गाड़ी को प्रॉपर एहतियात के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे सामने एक गाड़ी स्लिप हुए, और एक बड़े बड़े जो ट्राले होते तो वो भी उनकी कभी कभार चढ़ाई के वक्त ब्रेक फेल हो जाता है। और उसकी मसला ये रहा, ये मुसलसल चढ़ाई है, मुसलसल तकरीबन 15-20 किलोमीटर ये चढ़ाई है, या अगर 5 किलोमीटर भी हो तब भी ये ज़्यादा ही आपको फील होती है। अभी आगे जाके थोड़ा कलर कार का एक सर्वे पॉइंट आता है, जहाँ पर हमें थोड़ा स्टे करेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे और आप इंजॉय करें म्यूज़िक की। तो दोस्तों, ये नज़ारे ही अलग हैं, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा। बीच में बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, और जा रहे हैं। और एक्चुअली इस गाड़ी में इस वक्त फैमिली के साथ बैठे हुए, तो गाड़ी की में वज़न भी बहुत ज़्यादा है। और ये है एक्चुअली हमारा जो टूर शुरू हुआ था कराची से, और कराची में भी शदीद बारिशें थी, बहुत बारिशें थी, जिसकी वजह से ये मेरे लिए हमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने लगा। दोस्तों, फिर ये सीन है कि अभी मैं आया हुआ हूँ कलर कार के पास, अब चलते हैं इस्लामाबाद, देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्टे करते हैं, चाय वाय पिए, एंजॉय करें। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हो पहाड़ी पहाड़ हैं, इस्लामाबाद चलेंगे या फिर नारायण कागान, जैसा भी बेस्ट रहेगा उधर चल के घुमाएंगे फिराएंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों और मेरे डिजिटल साथियों, अब मैं निकल पड़ा हूँ इस्लामाबाद के लिए।
तो अपने सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी ये मोहब्बत ही मुझे चाहिए होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई भी इंक्वायरी हो या किसी को कहीं नारायण का गांव जाना है तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरी गाड़ी है, कॉस्टिंग वोस्टिंग सब आपको भरनी है, ये सब कुछ आपको करना है, गाड़ी अवेलेबल है, ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।